गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्या हुआ, आप नाश्ता क्यों ले आई? डेजमंड का है? डेजमंड आपके पापा की चाय बना रहा है। आपको स्कूल के लिए देरी हो रही थी तो सोचा ब्रेकफास्ट कमरे में ही ले आऊं। थैंक्स मॉम, आपने बहुत अच्छा किया। आज वाकई में मुझे बहुत देर हो रही है। बेटा कोई ऐसे थोड़े ना बाल कंघी करता है। मम्मी मुझे बहुत देरी हो रही है। आदमी के बाल हमेशा वेल कॉम्ब्ड होने चाहिए। अपने पापा को देखो। मम्मी लेकिन मेरे बाल तो ऐसे ही हैं। मम्मी मैं अपने बाल लंबे कर लूं इतने? तो तुम लड़की लगोगे। आपको आजकल का फैशन ही नहीं मालूम। तो ये सिखाते हैं तुम्हें स्कूल में फैशन? स्कूल में नहीं, दीदी के कॉलेज में। ठीक है, जब मेरा बेटा कॉलेज जाएगा तब फैशन करेगा, अभी नहीं। वैसे भी मम्मी मुझे बड़े बाल अच्छे ही नहीं लगते हैं। मम्मी के भी नहीं? आप भी मम्मी बोलो अच्छे लगते हैं कि नहीं? हाँ मम्मी अच्छे लगते हैं, लेकिन स्कूल में एक टीचर है, उनके बाल आपके बाल से भी अच्छे हैं। मेरे बाल से भी अच्छे हैं? कौन है वो टीचर? मैं उसके बाल नोच लूंगी। नहीं नहीं मम्मी, फिर तो रहने दीजिए, आपके ही बाल ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा मम्मी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। कुछ खा के जाओ, कुछ खा के जाओ। बस मम्मी। जय 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 जय। अपनी मूछें तो छोड़ते जाओ। ओके बाय मम्मी। बाय बेटा। ब्लेस यू सन। एकदम डिफरेंट। हाय जय, कैसा है? हेल्थ ठीक है ना? हाँ। जय अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे या फिर नाक को बोलना। आई गिव यू माय नोट्स यार। ओके थैंक्स। यार इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है, वी आर योर फ्रेंड्स यार। ओके ओके। बैठ जाइए सब लोग। जय मल्होत्रा। यस सर। इधर आइए। देखिए मुझे मालूम है कि आपने संस्कृत की कभी पढ़ाई नहीं की। कुछ ही दिनों बाद बेटे सालाना इम्तहान आएंगे, कैसे करेंगे आप? बेटे मैं चाहता हूँ जब भी आपके पास खाली समय हो आप मेरे पास चले आइए, साथ साथ कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लिया जाए, क्या विचार है? धन्यवाद सर। इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध वैसा ही होता है जैसे एक पिता और पुत्र का, क्यों? चलिए जाइए अपनी जगह बैठिए। राज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, यह है मेरी स्पेशल पेंटिंग, इसका नाम है हैप्पी फैमिली। मगर मुझे तो ना इसमें फैमिली दिखती है और ना ही हैप्पीनेस। डोंट बी सो अनकूथ राज, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, इसका आइडिया है हैप्पी फैमिली, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। या यू आर राइट, हैप्पी फैमिली सिर्फ एक आइडिया है, क्योंकि अगर हैप्पी हो तो फैमिली नहीं होगी और अगर फैमिली होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। क्या बात है, आज तुम्हें क्या हो गया है राज? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। फॉरगेट इट। नहीं प्लीज मुझे बताओ, इससे मन हल्का हो जाएगा, यू विल फील बेटर। नहीं सुंदरी नहीं, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तुम इस सबसे परेशान मत हो। डोंट बी सिली। आई एम सिली, आई एम टेलिंग यू आई एम सिली, मैं हूं ऐसा, क्या करूं, मुझ में कुछ चीजें हैं जो खराब होंगी, जरूर होंगी, मगर कुछ अच्छी चीजें भी तो हैं, लेकिन अच्छी चीजों को कोई याद नहीं रखता। Everyone remembers the silly things. I understand. I do. No, you don't. You don't, Sundari. तुम नहीं समझ सकती। कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें से जा कौन है? Sir. New boy. बेटे तुम आराम करो, चाहो तो क्लासरूम में भी जाके बैठ सकते हो। पर सर मुझे पीटी करनी है। ओके ओके, लेकिन अभी सिर्फ तुम देखो,
पीटी बाद में करना, आओ बाहर आ जाओ। ओके सर। कम ऑन, गो एंड सिट देयर। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, स्प्रेड आउट अ बिट, स्प्रेड आउट। देख जय पीटी से बचा और तू कैंसर से बच गया। अभी चुपचाप से पीटी कर, नहीं तो फिर से टपली पड़ेगी। मेक स्ट्रेट लाइन आई सेड। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कैंसर भी ना हो और पीटी से भी बचाए? हाँ है। क्या? मैडनेस, दिमाग की बीमारी। नाउ अटेंशन, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस, जस्ट फॉलो मी, हैंड्स अप, इन फ्रंट, साइडवेज and down. Jay? क्यों? बोर हो रहा है? जब से मुझे ब्लड कैंसर हुआ है तब से मुझे सब लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन पीटी गेम से निकाल दिया गया तो बोरिंग तो होगा ही। अगर तुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया तो तू भी बोर हो जाएगा और तेरे पेरेंट्स भी। तू हर वक्त बुरी बातें क्यों बोलता है? कि तू बुरी बातें करता है, मेरे पेरेंट्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि तुझे ब्लड कैंसर है? वेरी गुड, तुझे इतनी बड़ी बीमारी है और तेरे पेरेंट्स को पता तक नहीं है। मुझे सच्ची मुच्ची में थोड़ी ना ही ब्लड कैंसर हुआ है, तो हो जाएगा। पैट्रिक सर तो यही कहते हैं, जो जैसा झूठ बोलता है उसके साथ वही होता है। जेनी मैम तो यही कहती हैं, लव योर फेलो मैन, सबसे प्यार करो। और पापा भी यही कहते हैं, सिंपैथी रखनी है तो बीमार लोगों के साथ रखो। ये करना चाहिए लेकिन सिर्फ सचमुच के बीमार लोगों के साथ। लेकिन मुझे थोड़ा झूठ बोलने पे इतना प्यार मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? आ मेरे साथ। सुंदरी, ये मुझे कहाँ ले जा रही है? आ मेरे साथ, यहाँ लेट जाओ। क्या? यहाँ लेट जाओ। मगर सुंदरी। कम ऑन, लेट जाओ, लेट जाओ। अच्छा रिलैक्स राज, रिलैक्स, ठीक से लेटो। अरे ये क्या कर रही हो सुंदरी, प्लीज लेट मी डू इट माय वे। ओके, ठीक से लेट जाओ राज। या जस्ट रिलैक्स राज, यू आर स्ट्रेस्ड आउट। Good boy. Hi, Jay. Good morning, ma'am. I've got something for you. Thank you, ma'am. पर मैं ये खा नहीं सकता। क्यों? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है? नहीं, मम्मी ने। मम्मी कहती हैं ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। ओके, आई विल गेट यू समथिंग एल्स। नो मैम, प्लीज डोंट वरी, मैं खा लूंगा और घर जाकर बाद में ब्रश कर लूंगा। यू आर अ वेरी स्वीट बॉय। नो क्लैपिंग। कपिल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या मैं जय को ले जा सकती हूँ मेरे साथ थोड़ी देर के लिए? जी हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आराम करे, ले जाइए। ओके थैंक्स। Come on, Jay. Yes, ma'am. Cool. ये बेचारा तो पीटी भी नहीं कर सकता। Poor boy. मैंने मेरी मम्मी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमें उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। क्या स्पेशल? वो तो मैंने नहीं पूछा था, लेकिन हम जेनी मैम से पूछेंगे, उनके पास बहुत स्पेशल आइडियाज होती है। एंड शील नो। Poor boy. तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स एंड मॉरल साइंस। मॉरल साइंस? कम ऑन। नो मैम, ये सच है, क्योंकि हमारे पुराने स्कूल में मॉरल साइंस नहीं पढ़ाते थे, एंड आई लव दिस स्कूल ओनली बिकॉज़ ऑफ मॉरल साइंस। ओह, अगर पहले तुम्हें मॉरल साइंस नहीं पढ़ाते थे तो तुम्हें इस सब्जेक्ट से इतना प्यार क्यों है?
क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अब मैथ्स में क्या है, इट्स जस्ट 2 into 2 = 4। और इंग्लिश में क्या है, खाली इंग्लिश स्टोरीज हैं। एंड मुझे मॉरल साइंस में से ये समझ में आता है कि वी शुड बी ऑनेस्ट, क्लीन एंड लव ऑल। वेरी गुड, यू आर अ वेरी ब्राइट बॉय। माफ करना, मैं सो गया था, बट यू वर राइट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, माया परेशान हो रही होगी। माया कैसी है? अच्छी है, मतलब ठीक है, बिजी रहती है, डॉक्टर है ना, आई टोल्ड यू। राज तुम इतना काम मत किया करो, और तुम्हें अपनी सब परेशानी माया को बता देनी चाहिए ना। मर्द हो ना, परेशानियां बताने में शर्म आती है, जबकि सबसे ज्यादा केयर की जरूरत तुम लोगों को होती है। लेकिन ये बात तो दोनों को समझनी चाहिए ना। या यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड। तुम कॉफी नहीं पियोगी? मैं कॉफी नहीं पीती। तुम्हारा सनसाइन क्या है? कैंसेरियन। व्हाट्स योर्स? गेस। वर्गो। सजिटेरियस? नो। लियो। Oh, baby. Raj, meet my assistant Mahesh. Hi. Mil chuke hain. He is very talented. Baitho Mahesh. Main chalta hoon. अच्छा हाँ, या पेंटिंग मैं बाद में पिकअप करा लूंगा, और मैं नए अकाउंट्स भिजवा दूंगी। या बाय बाय। अच्छा तुमने मॉरल साइंस के बारे में तो बता दिया, अब तुम्हें मैथ्स इतना क्यों पसंद है? गुड मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि वो बहुत इजी है और उसमें सोचना नहीं पड़ता है। सोचना नहीं पड़ता? दैट्स सरप्राइजिंग, आई थॉट मैथ्स वाज डिफिकल्ट एंड यू हैव टू थिंक। अच्छा, सब्जेक्ट्स के बारे में तो बात हो गई, अब तुम्हें स्कूल में कौन से टीचर्स पसंद हैं? तुम्हें क्या चॉकलेट खाना अलाउड है? हाँ, खाने में तो सब कुछ अलाउड है। कोल्ड ड्रिंक भी? हाँ, मुझे तो जब फ्लू हुआ था ना, मेरे डॉक्टर ने सब बंद कर दिया था, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सब कुछ। तुम्हें तो सब बच्चों वाली चीजें पसंद है। तुम क्या गेम्स खेलते हो जय? हाँ, सारी अलाउड है। तो फिर सैटरडे को मेरे घर आना, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। मैं भी आऊंगा। ओके, फिर संडे को मेरे यहाँ। ओके, रोजा, बाय। क्या हुआ जय बेटा? कुछ नहीं मम्मी। तू मुझे डरा दिया। मैं चाहता था तू डरे। क्यों? तू पागल हो गया है क्या? तुझे आराम से रहना बुरा लगता है? नहीं तो फिर तू ये सब क्या कर रहा है? रिलैक्स गौतम, सब ठीक हो जाएगा। अब लोग थोड़ा थोड़ा झूठ तो बोलते ही हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं। तूने तो झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब देख सब लोग भूल जाएंगे। देख मम्मी, दीदी और सब लोग, ये सब लोग वो पिक्चर भूल गए हैं। वो पिक्चर थी जय, आई एम गिविंग यू द लास्ट वॉर्निंग। तू डरपोक है। मैं? तूने मुझे डरपोक कहा? हाँ, तू डरपोक है, यू आर अ कावर्ड। ठीक है, तेरी मेरी दोस्ती वोस्ती कैंसिल,
मैं जा रहा हूँ। रुक गौतम। नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगा अब तेरे पास। सॉरी यार, प्लीज तू रो मत। मैं जाके बोल दूंगा कल स्कूल में कि मैंने झूठ बोला था वो फिल्म देख के। ओके, तुझे मार पड़ेगी। कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे मत भूलना। प्रॉमिस प्रॉमिस। आज मैं मैम नहीं जेनी हूँ। ओके, क्या हुआ, हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए प्लीज। थैंक्स। ये लो जय, ये मेरी मामी ने तुम्हारे लिए बना के भेजा है। थैंक्स एंड थैंक्स टू योर मॉम। गेट वेल सून। वेल सून। वेल सून। जय बेटा, कौन है ये? हेलो, आई एम जेनी। मैं जय की स्कूल टीचर हूँ। And these are all Jay's classmates. Oh, how nice! Jay beta, अपने दोस्तों को अपना कमरा दिखाओ। आइए। I hope we didn't disturb you. No, not at all. In fact, नहीं Jay, पहले तुम बैठो। ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को तो बहुत आराम चाहिए ना। मुझे पता नहीं, ब्लड कैंसर पहली बार हुआ है ना। अरे यार, तेरे खाने में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन होगा ना, क्या खाते है यार तू? चल छोड़ यार जय, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल गाना तैयार किया है। पहले मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जय, हमारा गाना सुन लेनी तो हम लोग भूल जाएंगे। कीप गोइंग। 1 2 3 एंड हियर वी गो। राज, इनसे मिलो, ये है जेनी, जय की टीचर है। ओह गॉड, अभी कुछ गड़बड़ की उसने? क्या पढ़ाती हैं आप उसे? मॉरल साइंस। देखिए मिस जेनी, वी आर वेरी सॉरी, अगर उसके मॉरल्स में या उसकी साइंस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। राज, ये जय की शिकायत करने नहीं आई है, जय से मिलने आई है उसके फ्रेंड्स के साथ। सॉरी, तो ये सोशल विजिट है? आई डिडंट नो। आपके स्कूल में ऐसा करने का कुछ रिवाज है क्या? कैसा? यही के टीचर्स स्टूडेंट्स के घर आते हैं, सम काइंड ऑफ अ टीचर्स स्टूडेंट्स मीटिंग। एक्चुअली मैं पेरेंट्स से मिलने आई थी, आप लोगों से मिलने आई थी। आई कैन टेल यू, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। आई कांट बिलीव इट कि इतने बड़े परेशानी के बावजूद आप लोग इतने नॉर्मल हैं। आपने क्या सोचा था कि हम लोग एबनॉर्मल होंगे? नहीं नहीं लेकिन ऐसी बड़ी बीमारी को इतना कैजुअली डील करना इज बीमारी। जेनी, वी नॉट इल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं जय के बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ। जय, क्या हुआ है जय को? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ब्लड कैंसर, आप कह रही हैं कि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है और मुझे पता नहीं? मिस जेनी, आपको टीचर किसने बना दिया? हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड? एक 10 साल का बच्चा आपको आके कुछ भी पढ़ा देता है और आप यकीन मान लेती हैं? ही इज लाइंग, माई सन इज लाइंग, आई डोंट नो व्हाई बट ही इज। जाहिर है कि आपकी मॉरल साइंस का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। इट्स सैड, माई सन इज अ लायर, माई सन इज अ लायर,
पर आप लोग तो होशियार हैं, आप लोग तो समझदार हैं। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा किसी अच्छे स्कूल में जा रहा है, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है? गलती? माया तुम्हें इसमें इनकी गलती नहीं नजर आ रही? अरे ये लोग टीचर्स हैं, शिक्षक, बच्चों को ज्ञान, वैल्यूज और बड़े बड़े शब्द सिखाने वाले शिक्षक। मिस जेनी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर जैको वाकई ब्लड कैंसर होता तो क्या करती आप? यहां आकर झूठी दया दिखाती हमारे ऊपर, दो चार आंसू बहाकर चली जाती ना? गॉड, यू पीपल मेक मी सिक, यू नो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।